आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर पद के अपने नामों का ऐलान कर दिया है। आपकी ओर से शैली ओबराय मेयर पद के लिए और आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर के उम्मीदवार होंगे। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई पीएससी की बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी मेंबरों के कुल 6 नामों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आपने स्टैंडिंग कमेटी मेंबर पद के लिए वार्ड नंबर 246 से निगम पार्षद आमिल मलिक, वार्ड नंबर 100 से निगम पार्षद रविंदर कौर, वार्ड नंबर 218 से निगम पार्षद मोहिनी जीनवाल और वार्ड नंबर 142 से निगम पार्षद सारिका चौधरी के नाम का ऐलान किया है। तो आज हमारी सुबह सीएम साहब के आवास पर पीएससी की मीटिंग हुई और उस पे जिन नामों पे चर्चा हुई, जिन जिन के लिए, वो मैं पार्टी की तरफ से आपके समक्ष रख रहा हूँ। आज हमने 6 नामों की चर्चा की और उनको आपके सामने रख रहे हैं, जिनमें से 4 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के लिए नाम है, 1 डिप्टी मेयर के लिए और 1 मेयर के लिए। 3-6 नामों की चर्चा जो हुई उसका निष्कर्ष मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं 4 स्टैंडिंग कमेटी में जिनके नाम पार्टी ने सोचा है वो नाम आपके सामने रख रहा हूँ। आमिल मलिक, वार्ड नंबर 246 से करावल नगर विधानसभा के मेंबर हैं ये। दूसरा नाम रविंदर कौर जी, वार्ड नंबर 100 हरिनगर विधानसभा की हैं। मोहिनी जीनवाल, वार्ड नंबर 218 सीमापुरी विधानसभा। सारिका चौधरी जी, वार्ड नंबर 142 जनपुरा। तो ये 4 नाम स्टैंडिंग कमेटी के लिए। डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल जी का नाम, वार्ड नंबर 76 मठिया महल से। और मेयर के लिए, जो कि इस बार महिला के लिए सुरक्षित है, पार्टी ने मिस शैली ओबराय, वार्ड नंबर 86 पटेल नगर विधानसभा, इनका नाम सुनिश्चित किया है। मैं पार्टी की तरफ से इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद है कि वो सबके साथ मिलकर दिल्ली के लिए, जो दिल्ली की उम्मीद है, उसे पूरा करेंगे। तो ये 6 नाम आज की चर्चा में जो हुए वो मैंने आपके सामने रखे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।